Hello friends, good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. First of all, I welcome you to my YouTube channel English Sound. आप सभी का मेरे YouTube channel English Sound में स्वागत है. Dear students, today I am present with the important works and their authors. Okay, so these are the important works, especially for the preparation of UGC NET. And those who are preparing for UGC NET must watch this video because these important works are crucial and most expected works that I have included. I assure you that these works will definitely be helpful for your preparation of UGC NET. So dear, without delaying, let's go ahead. So dear students, here the works that I have chosen are Fugue of Death. Fugue of Death. This is an elegy written by Paul Celan, and the real name of Paul Celan is Paul and Shelley. Paul and Shelley. Okay. Fugue of Death, जो एक एलजी है जिसको लिखा है पॉल सेलॉन ने, और ये पॉल सेलॉन का पूरा नाम था पॉल एंड शेलॉन. ओके, मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं. ये नेक्स्ट है हमारा डुइनो एलजीज. डुइनो एलजीज जो है इसको लिखा है रेनर मारिया रिल्के. रेनर मारिया रिल्के, लेकिन इनका जो पूरा नाम था वो था रेने कार्ल विलहम जोहान जोसेफ मारिया रिल्के. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो पॉल सेलॉन थे वो रोमानिया में पैदा हुए थे, यानी रोमानियन बॉर्न राइटर हैं ये. और रेनर मारिया रिल्के जो हैं वो आपको बताते हैं जो शेष करके रिपब्लिक है, कंट्री है, वहां का जो कैपिटल सिटी प्रेग है वहां पे ये पैदा हुए थे रेनर मारिया रिल्के, जिनका पूरा नाम है रेने कार्ल विलहम जोहान जोसेफ मारिया रिल्के. तीसरा है द चेंजिंग लाइट एट सैंडोवर. इसको लिखा है जेम्स मेरिल ने लिखा है, जो एक अमेरिकन राइटर थे. इनका पूरा नाम है जेम्स इनग्राम मेरिल. इनकी और कुछ स्पेसिफिकेशन, खास बात यह है कि लिटरेचर के एरिया में ये पुलित्जर प्राइज विनर रहे 1977 में. और किस लिए दिया गया था पुलित्जर प्राइज? इनको डिवाइन कॉमेडीज के लिए दिया गया था. ओके, तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि 1977 में इनको डिवाइन कॉमेडीज के लिए पुलित्जर प्राइज के विनर के रूप में चुना गया था. नेक्स्ट है फॉर द यूनियन डेड. ये एक एलजी है जिसको लिखा है रॉबर्ट लॉवेल ने, और ये भी एक अमेरिकन राइटर थे. याद रहे कि इनका पूरा नाम रॉबर्ट ट्रेल स्पेंस लॉवेल था. इनका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट ट्रेल स्पेंस लॉवेल. ओके डियर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहे ये जितने भी मैं वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मैं कोशिश करूंगा कि 5-5 वर्ड्स की या 10-10 वर्ड्स की सीरीज बना करके आपको रेगुलरली दूंगा, ताकि आपके पास 100-200 भी हो जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और डेफिनेटली आपका उसमें एग्जाम में आएगा, ये मेक गारंटी है. नेक्स्ट है द हॉल लैंटर्न. द हॉल लैंटर्न क्या है? एक एलजी है जिसको लिखा है सीमस हीरी ने, और सीमस हीरी कौन थे? ही वॉज द आयरिश पोएट. ओके, इनका पूरा नाम सीमस जस्टिन हेनी था, जो 1955 में नोबेल प्राइज के विनर भी रहे थे. अच्छा, अक्सर ये पूछा जाता रहा है कि किस एरिया में उनको नोबेल प्राइज मिला था. तो बेसिकली ये होता है क्या है कि इसमें लिटरेचर के क्षेत्र में जो होता है वो डायरेक्टली लिटरेचर आता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं हम कह सकते कि पर्टिकुलर वर्क के पीछे मिला जाता, ऐसा मिलता है. हमने ऐसा कभी नहीं देखा ना कहीं सुना कि इनको फला वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज के लिए चुना गया. हालांकि उनके वर्ड्स को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उनके वर्ड्स को ध्यान में रखकर ही दिया जाता है, फिर भी पार्टिकुलर कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि उसी के क्षेत्र में ही वो नोबेल प्राइज दिया जाता है, ऐसा नहीं है. तो वो लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के विनर रहे 1955 में सीमस हीनी,
और इनका जो फेमस वर्क है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट जो आपको बता दें फर्स्ट पब्लिश वर्क था इनका डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, जिसके लिए पॉपुलर हुए, इसके लिए फेमस हुए। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे फाइव वर्ड्स क्या है, फाइव वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पर आपको ध्यान देना और लर्न करना है। याद रहे डियर कि ये सारे वर्ड्स आप मेमोराइज कर लीजिए और फिर मैं आप इससे एक क्वेश्चनेयर बनाऊंगा, ये प्रश्नावली बनाऊंगा मैं, और उस क्वेश्चंस की सीरीज आपके आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे और ऑप्शंस देना हो या फिर ऐसे भी मैं पूछ सकता हूँ। आप प्रिपरेशन करिए, तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन की सीरीज मैं लेकर प्रेजेंट होऊंगा। ओके डियर, तो चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारा सिक्स्थ जो वर्क है वो है कैच 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कैच 22 क्या है, एक सटायरिकल वार नॉवेल है जिसको लिखा था जोसेफ हेलर ने। किसने लिखा था, जोसेफ हेलर ने लिखा था, जो एक अमेरिकन राइटर है। ओके, और दूसरा सतमा जो हमारा है जेटीसबर्ग एड्रेस, जेटीसबर्ग एड्रेस जो है आपको बता दें अब्राहम लिंकन ने लिखा था, उनकी एक स्पीच थी, एक उनका भाषण था, आपको बता दें 1863 की बात है कि जब अमेरिकन सिविल वार हुआ था तो उनके जो सोल्जर्स थे जिन्होंने डिफीट किया था और कुछ ऐसे वो मार्टर्स होकर शहीद हो गए थे, तो उस उनके याद में कमेमोरेशन में उन्होंने एक स्पीच दिया था और उसी स्पीच का नाम जो है जेटिसबर्ग एड्रेस है। ओके डियर, नेक्स्ट है द कैचर इन द राई, जिसको लिखा है जेडी सेलिंगर ने, वो भी एक अमेरिकन राइटर थे जिनका पूरा नाम है जीरोम डेविड सेलिंगर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है द कैचर इन द राई, एक नॉवेल है जिसको लिखा है जेडी सेलिंगर, जो कि अमेरिकन राइटर थे जिसका पूरा नाम है जीरोम डेविड सेलिंगर। नेक्स्ट थर्ड ईयर नाइन्थ वाला अ डे नो पिक्स और डाई, यानी एक ऐसा दिन जिस दिन कोई भी पिक्स नहीं मरेंगे। ओके, वैसे तो ये कहानी रिलेट करती है जो ये कहानी रिलेट करती है, एक नॉवेल है एनिमल फार्म, एनिमल फार्म जो शॉर्ट स्टोरी है, एक शॉर्ट नॉवेल है उससे रिलेट करती है, जिसको लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। तो वो जो है इससे रिलेट करती है अ डे नो पिक्स वुड डाई, ये देखिए लिखा है न्यूटन पिक, जिसका पूरा नाम था रॉबर्ट न्यूटन पिक, एक अमेरिकन राइटर थे, और ये अ डे नो पिक्स वुड डाई जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। विच नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है द आउटसाइडर्स, क्या है आउटसाइडर्स, जिसको लिखा है एस ई हिंटन ने। एस ई हिंटन कौन थी, एक अमेरिकन राइटर थी जिनका पूरा नाम था सुजान इलॉयज हिंटन, सुजान इलॉयज हिंटन, एक अमेरिकन राइटर थी डियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट आउटसाइडर्स एक नॉवेल है, और एक चीज और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वाई ए जॉनर, क्या वाई ए जॉनर, जानते हैं वाई ए जॉनर क्या होता है, शायद जितने भी लिटरेचर पढ़ने वाले होंगे उनमें मुझे नहीं लगता कोई जान रहा होगा वाई ए जॉनर क्या होता है। वाई ए जॉनर होता है वाई फॉर यंग और ए फॉर एडल्ट, यंग एडल्ट है ना, और इसके साथ वाई ए जब जानर लगता है तो ये आता है दोनों फिक्शन में, फिक्शन में, तो हम पूरा कह बैठते हैं यानी कि टोटल मिला करके यंग एडल्ट फिक्शन इसका पूरा नाम है, क्या यंग एडल्ट फिक्शन। यंग एडल्ट फिक्शन ये एक जॉनर है गाइस, आपको बता दें इसके बारे में थोड़ा, एस ई हिंटन एक मूवमेंट इन्होंने किया जिसका नाम था यंग एडल्ट फिक्शन। इस होता क्या था, जो एडल्ट और चिल्ड्रन जो छोटे छोटे बच्चे जो 12 से 18 साल के होते हैं ना, उनकी स्टोरीज को उनके नॉवेल को हम कहेंगे क्या यंग एडल्ट फिक्शन,
तो एडल्ट और चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उन दोनों की ऐसे फीलिंग को मिक्सअप करके एक चैनल क्रिएट करना जो मतलब एडल्ट भी देख सके, एडल्ट भी जान सके और चिल्ड्रन भी जान सके, तो उसे कहेंगे यंग एडल्ट फिक्शन। जिसके जिसके फाउंडर हैं ये कौन, हमारे एस ई हिंटन, ओके, सुजान एलोइस हिंटन, एक फीमेल राइटर थी, ध्यान दीजिएगा मेल नहीं, फीमेल राइटर थी और अमेरिकन राइटर थी। तो मुझे लगता है डियर ये आज का जो हमारा टॉपिक रहा इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर ऑथर्स, सिर्फ मैंने 10 वर्ड्स लिए इसमें और मुझे लगता है कि सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी बाकी रह जाए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए कोशिश करता हूं। और ये मेरी गारंटी है कि जितने भी आप, मैं आपको वर्ड्स दूंगा, मेरे पास नोटबुक तैयार है, जो नोट्स तैयार है वो मैंने खुद बनाई हुई है और उसमें से मैं 10-10 करके जो है आपको पढ़ डे आपको समझाता रहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेरी गारंटी है, मैच जरूर करेगा इस बात का मेरा दावा गारंटी है। प्लीज वीडियो को वॉच करते रहें, एंड तक वॉच करते रहें और पॉइंट्स को नोट करते रहें, इसके बाद क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा और फिर आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, ओके। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट नेक्स्ट 10 वर्ड्स, नेक्स्ट 10 ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, ओके। टिल देन, बाय बाय।